वेलकम टू स्टूडेंट, दिस इज अनुज मलिक। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे, एक शॉर्ट स्टोरी है, अमृतसर आ गया है बाय भीष्म साहनी, जो आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर में इंक्लूडेड है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस यूनिट्स हमको कंप्लीट कर लिया है, यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप उन कोर्स को वहाँ से कम्प्लीट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मूव करते हैं अपने स्टोरी की तरफ। चलिए, सबसे पहले हम स्टोरी के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि स्टोरी की थीम क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, सेटिंग क्या है। द शॉर्ट स्टोरी अमृतसर आ गया है इज सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो बैकग्राउंड है ये उस टाइम का है, 1947 1946, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था, तो थोड़ा वहाँ से संबंधित है। द मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स ऑफ पंजाब, पंजाब का वो एरिया जहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते थे, मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। एंड बंगाल वर डिवाइडेड इनटू वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल। तो जैसी सिचुएशन पंजाब की थी वैसी सिचुएशन बंगाल की भी थी, और इसी वजह से बंगाल का विभाजन भी हुआ था और पंजाब का विभाजन भी हुआ था। विद फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये हुआ था कि जो पंजाब का विभाजन हुआ उससे आपका ईस्ट पाकिस्तान बना, और जो बंगाल है उसका पार्टीशन जो हुआ उससे वेस्ट पाकिस्तान बना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंडिया वाज द मिडिल ऑफ द टू, और भारत जो था वो इन दोनों के बीच में था। दिस रिजल्टेड इन अ मैसिव एंड वायलेंट माइग्रेशन, इससे हुआ ये था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, इधर उधर लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए थे, क्योंकि दोनों साइड से, मान लो कि ईस्ट पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान है, तो उधर से भी लोग भारत में आएंगे, और भारत के लोग भी पाकिस्तान के जिस हिस्से में उनको जाना है या जा कर के रहना है, उधर वे लोग भी इधर उधर माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे। ऑफ द इनहेबिटेंट्स अक्रॉस द डिवाइडेड लाइन, डिवाइडेड लाइन का मतलब होता है बॉर्डर। मुस्लिम्स मूव टू पाकिस्तान वेयर एज सिख्स एंड हिंदूज मूव टू इंडिया। मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान की साइड जाना था, चाहे वो ईस्टर्न पाकिस्तान हो वेस्टर्न पाकिस्तान हो, और उधर से सिख और हिंदूज को स्पेशली इंडिया में आना था दोनों साइड से, विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ पीसफुल एंड बेटर लिवलीहुड। और सभी ये सोच रहे थे कि जैसे मुस्लिम्स है, सोच रहे थे पाकिस्तान में जाकर के वे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, और हिंदू और सिख सोच रहे थे कि वे इंडिया में आकर के ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। विद देयर ऑन रिलीजियस एंड एज वेल एज एथनिक आइडेंटिटीज़, इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इस्लाम को फॉलो किया जाएगा, तो मुस्लिम लोगों के लिए वहाँ पर सर्वाइव करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि ये उनका एक रिलीजियस और जो आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है ये उनको हेल्पफुल करेगी। उसी प्रकार के सिख्स और हिंदू जो कि इंडिया में यदि रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा। द सिचुएशन ऑफ पार्टीशन वॉज टू क्रिटिकल, ये सिचुएशन बहुत ख़राब थी, दैट बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सो द वे टू मास स्केल माइग्रेशन, क्राइम्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, मर्डर्स, रेप्स एंड ब्रूटलिटी। इसका नुकसान ये हुआ कि जब माइग्रेशन हुआ, मतलब लोग इधर उधर शिफ्ट हुए, तो इससे वायलेंस, हिंसा भड़क गई, मर्डर्स हुए, रेप हुए, और बहुत ही ब्रूटलिटी का मतलब होता है अमानवीय व्यवहार, मतलब इंसल्ट हुई है एक दूसरे के ऊपर, खूब जितना भी बर्बरतापूर्वक या बदतमीजी से व्यवहार किया जा सकता था वो सब किया गया। इन द स्टोरी अमृतसर आ गया है ए ग्रुप ऑफ रिफ्यूजीज आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। इस स्टोरी की यदि हम बात करते हैं अमृतसर आ गया है, तो इसमें कुछ रिफ्यूजीज है, रिफ्यूजीज का मतलब होता है वही माइग्रेंट्स लोग जो इधर उधर जा रहे हैं, शरणार्थी जिनको बोला जाता है, वे ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट ही नाउ बिकम पाकिस्तान टुवार्ड्स अमृतसर, और फ्रॉम व्हाट नाउ बिकम पाकिस्तान टुवार्ड्स अमृतसर, अमृतसर की तरफ जो पाकिस्तान बन गया है उसके तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। द फर्स्ट बॉर्डर टाउन इन इंडिया, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो पहला इंडिया का बॉर्डर टाउन है, मतलब
एक सिटी मान लीजिए, टाउन वैसे कस्बा होता है उस टाइम के अकॉर्डिंगली। तो ये पहला बॉर्डर है, बॉर्डर टाउन है या बॉर्डर के किनारे पर टाउन है इंडिया का, ऐसा मान सकते हैं। एंड द हॉरर्स एंड डिस्ट्रक्शन दे विटनेस ऑन द जर्नी। और जब ये सफ़र में थे तो उन्होंने ये जो चीज़ें हमने कही, वायलेंस, मर्डर, रेप एंड ब्रूटिलिटी, इस चीज़ को इन रिफ्यूजीज इन माइग्रेंट्स ने रियलिटी में फील किया है, उसी के बारे में पूरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत होती है। समरी ऑफ दिस स्टोरी की यदि हम बात करते हैं, चलो, देर आर फ्यू पैसेंजर्स इन अ ट्रेन, ट्रेन है उसके अंदर कुछ पैसेंजर्स हैं, एंड द मैन ट्रेवलर्स इन द कंपार्टमेंट आर थ्री पठान ट्रेडर्स। तो उसमें जो रेल का डब्बा है, कंपार्टमेंट है, उसके अंदर जो मैन ट्रेवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, जिनके जिनसे कहानी शुरू होती है, उनमें तीन पठान व्यापारी लोग हैं, बाबू हैं एक, एक सरदार जी हैं, एक बुजुर्ग औरत हैं, और द ऑथर, और जो ये राइटर हैं हमारे, ये भी हैं, हु इज़ नरेटिंग द इंसिडेंट। और यही जो है इस कहानी को पूरा बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है। टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दियर जर्नी, और जो घटनाएं इनकी जर्नी के दौरान घटित हुई, उसी का यहाँ पर ये वर्णन करते पाए जाते हैं। द नरेटर्स फोकस इज ऑन ए फ्रेल एंड नर्वस लुकिंग बाबू। तो यहाँ पर एक बाबू है, बाबू का मतलब क्लर्क भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये काफ़ी नर्वस दिख रहा है, काफ़ी निराश दिख रहा है, और फ्रेल का मतलब होता है नाजुक सी स्थिति में, मतलब इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। सिटिंग इन द ट्रेन, जो ट्रेन के अंदर बैठा है, एंड मॉक्ड इन ए फ्रेंडली वे, मॉक का मतलब होता है हल्की फुल्की मजाक कर रहा है, बाई थ्री पठान ट्रेडर्स, इन तीन जो पठान व्यापारी लोग हैं इनसे, एट द ऑन सेट ऑफ द जर्नी द सरदार जी वॉज टेलिंग अबाउट द स्टोरीज ऑफ वार। यहाँ पर जो सरदार जी है वो जो वार के अंदर स्टोरीज, मतलब जो युद्ध की कहानियाँ होती हैं, उनका जिक्र कर रहा होता है। ही हैड फोट ऑन द बर्मीज, और ये उस युद्ध के बारे में बता रहा है जो उसने बर्मीज, बर्मा के खिलाफ हुआ था, उसमें इसने फाइटिंग की थी, ये एक सोल्जर था, उसके बारे में अब चीज बता रहा है। फ्रंट ऑन द वाइट सोल्जर्स, मतलब जो अंग्रेज लोगों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी बर्मा में, उसके बारे में बता रहा है। व्हेन एवर ही टॉक्ड अबाउट द वाइट सोल्जर्स, ही टॉक्ड अबाउट द वाइट सोल्जर्स, ही लाफ्ड डेरिजिवली। तो जब ये इन वाइट सोल्जर्स के बारे में बताता है, तो वह बहुत ही मजाकिया ढंग से या बहुत ही एक प्रकार से तंज कसने वाली हंसी में हंसता है। वन ऑफ द पठान्स वॉज ए जोवियल मैन, जोवियल का मतलब होता है जॉयफुल, हंसी मजाक वाला, खुश मिजाज आदमी था एक पठान, हु हैड जोक्ड थ्रू आउट द जर्नी। इसने पूरे सफर के दौरान खूब जोकिंग की, खूब एंजॉय किया विद ए फ्रायल लुकिंग बाबू, और इस जो नर्वस सा बाबू था, थका हारा सा बाबू था इसके साथ। वेन द ट्रेन क्रॉस द रिवर झेलम, जब ट्रेन ने झेलम नदी को पार किया, द जोवियल पठान अनटाइड अ बंडल, इस हंसी मजाक करने वाले पठान ने एक बंडल, एक गठड़ी थी, उसको खोला, टुक आउट अ पीस ऑफ मीट, उसमें से कुछ मांस निकाला, एंड ए नान, और एक नान निकाला, एंड ऑफर्ड एवरीबडी एंड द फ्रेल बाबू, और उसको उसने सभी के साथ शेयर किया, यहाँ तक कि बाबू के साथ भी शेयर किया, विद द कंटेंट दैट द डालखोर कमेंट दैट द डालखोर, और एक उसने कमेंट भी किया डालखोर, बाबू वुड बी एबल टू प्लीज हिज वाइफ आफ्टर ईटिंग द ऑफर्ड फूड। और बाबू के साथ उसकी जो वाइफ थी, उसके साथ वो क्या हुआ, प्लीज, खुश हुआ जो उस खाने को खा करके जो उनको ऑफर किया गया था। द बाबूज मैनहुड इन दज सैटर्ड,
और बाबू का जो मैनहुड था, मैनहुड का मतलब होता है जो मर्दानगी जिसको आप बोलते हैं, वो कहीं शेक हुआ, डगमगाई, एंड ही फील्स क्वाइट ह्यूमिलिएटेड। उसको थोड़ा सा बेइज्जती सी महसूस हुई, एंड इंसल्टेड एज ऑल द पैसेंजर्स लाफ लाउडली एट दिस ह्यूमर मेड एट हिज स्टेक बाय द पठान। अब जो पठान था उसको टारगेट करके बहुत मजाक कर रहा था, इसलिए बाबू को इंसल्ट फील हुआ। ठीक है, सरदार जी ऑल्सो जोक्ड बाई सेइंग दैट बाबू इज़ नॉट टेकिंग फूड एज पठान हैड नॉट वॉश हिज हैंड्स। और सरदार जी ने भी मजाक उड़ाई, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे वो, है ना, उन्होंने भी थोड़ी सी मजाक की कि भाई बाबू जो है ये फूड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि पठान के हाथ धुले हुए नहीं थे। द पठान रिप्लाइड, पठान ने रिप्लाई किया बाय टेलिंग दैट, ये बताते हुए, बाबू इज नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, ही शुड गो एंड सिट इन द लेडीज कंपार्टमेंट। और पठान ने फिर अगली मजाक की कि बाबू जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा रहा है क्योंकि मांस तो नॉन वेजिटेरियन होता है, तो इसलिए नहीं खा रहा है, तो इसको लेडीज़ के डिपार्टमेंट में बैठ जाना चाहिए, इसके अंदर मर्दानगी वाली बात है नहीं। एवरीबडी लाफ्ड एट लार्ज अगेन, हर कोई फिर जोर जोर से हंसने लगा। मेन वाइल इसी दौरान द ट्रेन स्टॉप अ स्टेशन, ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, एंड लोड्स ऑफ पैसेंजर्स पुश्ड देयर वेन, और बहुत सारे पैसेंजर्स जो थे वो ट्रेन के अंदर घुसने लगे। वन मैन हु वॉज फीलिंग हिज वाटर पॉट एट द स्टेशन रियलाइज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। तो एक आदमी था जो स्टेशन पर अपने बर्तन के अंदर पानी भर रहा था पीने के लिए, उसको ऐसा लगा कि ट्रेन चल चुकी है, एंड इन ए फ्रेंजीड मैनर, और बहुत ही हड़बड़ाहट में, ही रश टुवार्ड्स द ट्रेन, वो ट्रेन की तरफ भागा। बट द मैनर इन विच ही हैड बीन स्टार्टेड वॉज रिवीलिंग इन इट सेल्फ। लेकिन जिस तरीके से वो हड़बड़ाहट में भागा था, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो आदमी किस तरीके का है। अदर पीपल अंडरस्टूड द सिनेरियो, हर कोई जो भी उसको देख रहा था वो सिचुएशन को समझ गए थे, एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड में, द प्लेटफॉर्म वॉज डेजर्टेड, प्लेटफॉर्म पीछे ही छूट गया था। दिस ग्राफिक डिस्क्रिप्शन पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ टेरिफाइड पैसेंजर्स हु एट एनी कॉस्ट वॉन्ट टू लीव द नेटिव प्लेस एंड सेफली माइग्रेट टू डिवाइडेड अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है ये हमारा इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिला करके जो एक छोटा सा एशिया बनता है उसको सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस तरीके से वो पैसेंजर डरा हुआ था और भाग करके किसी भी सिचुएशन में ट्रेन को पकड़ना चाहता था, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपनी नेटिव प्लेस का मतलब होता है जहाँ जो उसकी जन्मभूमि थी, जहाँ पर वो रहता था, उसको छोड़ने के लिए और किसी नई जगह जाने के लिए वो कितना ज़्यादा बेचैन था। मतलब वो अपने ही जगह जहाँ पर वो पैदा हुआ था, पला बड़ा था, वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, उसको छोड़ करके कहीं और जा करके रहने को ही ज़्यादा बेहतर मानता था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ख़राब थी कि आदमी अपने ही घर पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। राइटर एक्सप्रेसेस दैट, राइटर कहता है, आई हैड सीन पीपल रन इन फियर लाइक दैट बिफोर। यहाँ पर राइटर अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस ये बताता है कि उसने इस डर में, जो डर उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिला, इस डर में उसने लोगों को भागते हुए पहले भी देखा है। द मूड चेंजेस एज द ट्रेन पासिस, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो मूड चेंज हो जाता है, मतलब सिचुएशन चेंज हो जाती है। ट्रेन पासिस टाउन्स वेयर राइट इज रेजिंग, राइट का मतलब होता है दंगा, दंगे भड़क रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने उन चीज़ों को देखा। सिंस आई हैड सीन मैनी राइट्स, मैंने बहुत सारे दंगों को पहले भी देखा था। आई कुड सी द स्लाइट चेंज इन द एटमोसफेयर, और धीरे धीरे
जो सिचुएशन थी वो हंसी मजाक से गंभीरता में कन्वर्ट होने लगी थी। द साउंड ऑफ डोर्स शटिंग, जो दरवाजे थे उनके खुलने बंद होने की आवाज़ आ रही थी। पीपल स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप्स, लोग अपने छत के ऊपर खड़े हुए थे। एंड एन एरी साइलेंस, दे वर ऑल द साइंस ऑफ राइट। और वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा था जो इस बात का संकेत था कि यहाँ कुछ न कुछ बड़ा दंगा होने वाला है। द कंट्री साइड इज़ फिल्ड विद फ्लिंग रेफ्यूजीज, और जो मतलब देहाती एरिया था वहाँ पर देखा जा सकता था कि लोग इधर उधर जाने के लिए, कहीं सेफ जगह जाने के लिए भाग रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। सडनली देयर वॉज एन अल्टरेक्शन एट द डोर, तभी दरवाजे पर कुछ आवाज़ आती है। द पैसेंजर्स वर ट्राइंग टू गेट इन द कंपार्टमेंट, और जो दूसरे पैसेंजर्स हैं बाहर वाले, वे उस डब्बे के अंदर आना चाहते हैं। द इनसाइड पैसेंजर्स वर शाउटिंग, और अंदर जो पैसेंजर्स थे वो चिल्ला रहे थे। एंड अपोजिंग देम बाई सेइंग दैट देर इज़ नो रूम इनसाइड, और अंदर के पैसेंजर बाहर वाले पैसेंजर्स को ये कह रहे थे कि इस डब्बे के अंदर और जगह नहीं है, इसलिए उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। एज लॉन्ग एज ए पैसेंजर आउटसाइड ट्राइज टू फोर्स हिज वे इन, जैसे ही बाहर का एक पैसेंजर अंदर की तरफ पूरी ताकत लगा करके डोर को खोलना चाहता है, पीपल इनसाइड अपोज हिम, अंदर वाले पैसेंजर उसको मतलब घुसने नहीं देते। बट द मोमेंट ही गेट्स इन, जैसे वो अंदर आता है, होल ओपोजिशन सबसाइड्स एंड ही बिकेम ए पार्ट ऑफ द इनर वर्ल्ड ऑफ द कंपार्टमेंट। जैसे ही वो अंदर घुस जाता है तो अंदर वाले लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो यार ये भी बच गया, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। एंड एट द नेक्स्ट स्टेशन ही बिगेन्स टू शाउट एंड स्क्रीम एट अदर पैसेंजर्स ट्राइंग टू गेट इन, और दूसरे जब स्टेशन आया तो वहाँ पर भी लोग अंदर आना चाहते थे, वे भी चिल्ला रहे थे कि हमको भी आ। विदाउट पेइंग अटेंशन टू द प्रोटेस्ट ऑफ द अदर पैसेंजर्स, दूसरे पैसेंजर्स जो विरोध कर रहे थे उन पर ध्यान ना देते हुए, ए मैन हैड ए ड्रॉपिंग मोस्टेज, एक ऐसा आदमी था जिसकी मूछें थी एंड वाज वियरिंग टैटर्ड क्लोथ्स, और जो कपड़े पहने हुए था वे भी बहुत बढ़िया नहीं थे, तो मतलब पुराने से फटे हुए से कपड़े थे। ट्राइड टू स्क्वीज हिज वे इन टू द कंपार्टमेंट, वो भी डब्बे के अंदर आना चाहता था। ही टर्न राउंड एंड बिगिन पुलिंग इन एन एनॉर्मस ब्लैक ट्रंक, उसने पूरी जान लगा करके मतलब खींचना चाहा, केम ऑन क्लाइंबिंग, और उसने मतलब कहा कि आओ चढ़ो। ही शाउटेड टू समवन बिहाइंड हिम, कोई उसके पीछे था उसको मोटिवेट कर रहा था। ए थिन फ्रेड वुमैन क्लाइम्ब्ड अप, एक औरत थी जो डरी हुई सी थी, कमज़ोर सी थी, उसको उसने चढ़ाने में ऊपर हेल्प की। फॉलोड बाई ए यंग डार्क गर्ल 16 और 17, और उसके साथ एक लड़की भी थी जो 16 17 साल की थी। पीपल कंटिन्यूड टू स्क्रीम एट दैम, और लोग उसके ऊपर चिल्लाते रहे, उनके ऊपर चिल्लाते रहे। द मैन वॉज ब्रीदलेस, अब इस आदमी को सांस चढ़ गया था क्योंकि हेल्प कर रहा था। एंड हिज क्लोथ्स वर सोक्ड थ्रू द विद स्वीट, उसके जो कपड़े थे उसमें पसीने से वो तरबतर हो गए थे। हैविंग पुल इन द ट्रंक, और जो मतलब छाती से उसको पकड़े खींच रहा था। ही बिगेन हाउलिंग इन द बंडल ऑफ वुडन लेग्स ऑफ हिज कोट, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ही बिगेन हाउलिंग इन द बंडल ऑफ वुडन लेग्स ऑफ हिज कोट। कोट का मतलब होता है खाट, खाट के चार पाए होते हैं, तो वो उनको भी मैनेज किए हुए था। आई हैव अ टिकट, मेरे पास टिकट है। वी वर नॉट ट्रेवलिंग विदाउट टिकट्स, हम बिना टिकट के ट्रेवल नहीं कर रहे थे। आई वॉज लकी टू रीच द स्टेशन, और मैं लकी था कि मैं स्टेशन तक पहुंच गया था। सडनली सडनली ऑल द पैसेंजर्स फेल साइलेंट, तभी अचानक से सभी पैसेंजर शांत हो गए। बट द पठान सिटिंग ऑन द लोअर बर्थ, पठान जो नीचे वाले सीट पर बैठे हुए था, ब्लाइंड विद रेज, जो पूरी तरह से भड़का हुआ था,
सडनली गोट अप, वो उठा एंड ट्राई टू किक द मैन। उसने एक आदमी को लात मारने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही मिस्ड हिम, वो नहीं मार पाया। एंड द किक लैंडेड ऑन द वाइफ ऑफ वाइफ स्टोमक, और वो जो लात थी वो औरत के जाके पेट पर लग गई, आदमी को नहीं लगी। सी स्क्रीम विद पेन, वो चिल्लाई एंड कोलैप्स ऑन द फ्लोर। और वहीं पर जो कंपार्टमेंट का फ्लोर था उसी के ऊपर बेहोश हो गई। एज द ट्रेन अप्रोचेज अमृतसर, जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंचती है, द बाबू हैज वेंजियंस ऑन हिज माइंड। और जो बाबू है उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सी, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक अजीब सी टेंशन है या एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। ही फाइंड्स एन आयरन रोड, उसके हाथ में, उसके हाथ को एक रोड मिल जाती है लोहे की। ही इज एन एंग्री नेशनलिस्ट नाउ, अब वो एक पूरी तरह से एक गुस्से वाला राष्ट्रवादी व्यक्ति दिखाई पड़ता है। ही इट्स ऑन द हेड ऑफ ए मुस्लिम मैन, और वो एक मुस्लिम के सर पर उस रोड को मार देता है। हु इज प्लीडिंग टू गेट इन टू द ट्रेन, जो कि ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वी फील द हॉरर ऑफ द ब्लोज ऑन ए हेल्पलेस मैन, हमने इस डर को महसूस किया था कि एक मजबूर आदमी को क्या सहन करना पड़ा, मतलब किसी का गुस्सा किसी पर निकल गया। द बाबूज मैन रिग्रेट इज दैट, बाबू का मुख्य पछतावा ये था, ही इज अनेबल टू फाइंड द पठान एंड टेक रिवेंज, क्योंकि उसको, जिस पठान ने लात मारी थी उसकी वाइफ को, उसको ढूंढने में वो असफल रहा, इसलिए वो जो भी उससे मुस्लिम मिलता था उसकी तरफ वो भड़क जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।